आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 1528 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 2642 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण और विकास होगा। सीएम गहलोत ने प्रशासन शहरों के अभियान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा पट्टा देने की है, लेकिन कई अधिकारी और कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे, इस बात का दुख होता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पैर में चोट के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र महत्वपूर्ण होता है। इसी भावना से राज्य सरकार सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य करा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले ट्राइबल और डेजर्ट क्षेत्रों, 350 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता के साथ ही कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम गहलोत ने सीकर में सड़क के गड्ढे में गिरने से बच्चे की अकाल मृत्यु पर भी दुख व्यक्त किया। सड़कों के कारण से, रोड्स के कारण से कोई दुर्घटना नहीं हुई, डिफेक्ट नहीं रहे उसके अंदर। इसके लिए मुझे बताया गया कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से 1548 चिन्हित किए गए स्थान, ऐसी जगह ब्लैक स्पॉट, उनमें से 1365 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया। ये अच्छी बात है। प्रदेश में सड़क निर्माण के साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1548 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, इनमें से 1365 को दुरुस्त करा दिया गया है। अब सड़क बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी 5 साल तक कर दी गई है। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शाहजहाँपुर से अजमेर, बर्स से बिलाड़ा, सीकर से बीकानेर, सड़क मार्गों को सड़क दुर्घटना मुक्त कराने के लिए विशेषज्ञों से ऑडिट कराई गई है और साथ ही साथ दुर्घटना के कारणों को दुरुस्त कराया गया है। समारोह में UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगर निकायों में सड़क के कार्य हर वर्ष बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि 4.5 वर्ष में सड़क क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पीडब्ल्यू के द्वारा सड़क बनाई जाती है तो उनकी सबसे बड़ी मदद होती है नगर परिषदों की, नगर पालिकाओं की। नगर निगम में तो कुछ सक्षमता है तो वो अपना काम भी करती है, लेकिन उनको बहुत बड़ी मदद मिल गई। 50 किलोमीटर की सड़क नगर निगम के एरिया में मिलती है, बहुत बड़ी बात है। सड़कों के क्षेत्र के अंदर एक अभूतपूर्व काम राजस्थान में मॉडल बना है और जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार जो नगर निकाय के कामों के अंदर माननीय शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी गई थी, वर्ष 2021 नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में क्रमशः 30, 20 एवं 10 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों कराए जाने का निर्णय लिया। समारोह में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया है कि वर्ष 2021-22 में निकायों के 2189 कार्यों में से 2083 और वर्ष 2022-23 में 3368 में से 2469 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। समारोह में सभी नगर निकायों से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और आमजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।